फ्रिज में बैठे हो वैसे? मुंबई में? अरे वाह, यहाँ तो ठंडे टप्पू के पापा की दाढ़ी जैसी है। ओ फेकुचंद, मुझे कहाँ दाढ़ी है? हाँ तो मुंबई में भी कहाँ ठंडी है? ये बात मैंने माँ को जरा अलग तरीके से बताई, आप नहीं समझेंगे। क्या कहा माँ? हाथ मोजे मोजे में है, बस आराम कुर्सी में बैठ के हिसाब कर रहे हैं। ये सासू माँ को तो हाथ मोजा, कान टोपी, मफलर, स्वेटर सब गर्म कपड़े पहना के सौना रूम के अंदर बंद कर देना चाहिए। और जब तक कसम ना खाए क्या जमाई राजा, मैं आइंदा आपका कोई नया नाम नहीं रखूंगी, तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। दया, टप्पू के पापा, सॉरी आप गिर गए। सॉरी, क्या कर रही है दया? तो सॉरी सॉरी टप्पू के पापा। बोलो माँ, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। कुछ नहीं, हाथ मुझे आराम कुर्सी से गिर गए। सॉरी टप्पू के पापा, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? अरे क्या लगा तो नहीं, माँ के साथ बात करने में इतनी क्या मशगूल हो जाती है कि आसपास का तुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहता। सॉरी सॉरी। अच्छा सुन, कल सुबह वो 6:30 बजे का अलार्म रख देना, मुझे सुबह जल्दी उठना है। क्यों? अरे अरे भाई, बहुत काम है, वो एक पार्टी का बड़ी मुश्किल से बहुत बड़ा चेक मिला है 25 लाख का, तो वो बैंक में जमा करने का है। सुबह 6:30 बजे कौन सी बैंक खुली रहती है? अरे 6:30 बजे उठ के सीधा बैंक में नहीं घुसना है। तो 6:30 बजे उठूंगा, नहाऊंगा, पूजा करूंगा, नाश्ता करूंगा, दुकान जाऊंगा, तब तक 8:30 बज जाएंगे। और 8:30 बजे बैंक खुल जाती है, तो क्या बैंक खुलते ही सीधा ये चेक जमा हो जाएगा ना, तो फर्स्ट क्लियरिंग में पास हो जाएगा, समझी? बस तो अभी तो अलार्म रख दो, चल। अलार्म रखने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं हूँ ना। क्या मतलब? मैं अलार्म से भी बढ़कर हूँ। अलार्म एक बार बजना भूल सकता है, लेकिन मैं टाइम होते ही सड़ा सीधी उठ जाती हूँ। नहीं, मुझे तेरी शक्तियों पे कोई शक नहीं है। थैंक यू। लेकिन फिर भी मेरे मन की शांति के लिए जरा अलार्म रख देना प्लीज। कोई बात नहीं, ये तो श्रद्धा की बात है। कौन श्रद्धा? कौन श्रद्धा? रहने दीजिए टप्पू के पापा, अब नहीं समझेंगे, सो जाइए। क्या करें, इतना भी विश्वास नहीं, अलार्म रख रहे फोन में। सॉरी। ओहो, हेलो नट्टू काका। सेठ जी, आपने गलत टाइम पे फोन किया। ओ सॉरी, सो रहे थे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मोबाइल पे गेम खेल रहा था, बस जीतने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। अच्छा सुनो, कल सुबह दुकान पे जरा जल्दी पहुंच जाना। क्यों? अरे क्यों क्या, वो खुशनुमा रिजॉर्ट का चेक आया ना 25 लाख का, तो वो क्या है, मैं घर से स्लिप भर भरा करके सब अप टू डेट रेडी करके दुकान आऊंगा, और मेरा दुकान आता है फटाक से बैंक में जमा कर देना, तो क्या फर्स्ट क्लियरिंग में चेक निकल जाएगा। अरे सेठ जी, फर्स्ट क्लियरिंग में डालने की क्या जरूरत है, सेम बैंक का चेक है तो सेम बैंक को क्लियर हो जाएगा। अब यार मुझे मत सिखाइए नट्टू काका, क्या करना क्या नहीं करना, जितना बोला उतना करो ना भाई। और सुन, हेलो, ए भगवान, क्या करूं मैं ये नट्टू काका का? पगार बढ़ा दीजिए। वो बेचारा हमेशा कहते रहते हैं ना। अभी तू चालू मत हो जा, तूने अलार्म रखा? हाँ हाँ हाँ, रख दिया। एक ही बार रखने का था ना। क्या मतलब? नहीं, आपने अभी चौथी बार बोला ना कि अलार्म रख दिया, तो इसीलिए मैं आपसे जरा कंफर्म कर रही हूँ कि अलार्म एक ही बार रखने का है ना। अगर एक ही बार रखने का था तो वो मैंने रख दिया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ।
सो जाइए, निश्चिंत होके सो जाइए। सुबह उठते ही दोनों अलार्म बज उठेंगे। दोनों? एक मैं और एक ये आप वाली। तो ये वाली जब भी बजे ना मुझे तभी उठाना। ऐसा थोड़ी होता है, पत्नी चढ़ा करके उठ जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं। और जो अलार्म जो कभी बजता है कभी नहीं बजता, उस पर विश्वास है, ऐसा थोड़ी ना होता। क्या करूं? बैटरी किधर है तेरे? बैटरी निकाल, बैटरी। आप सो जाइए, सो जाइए। अब बच का क्या फायदा, मैं तुझसे पहले उठ गई। टप्पू के पापा उठिए, टप्पू के पापा 6:30 बज गए, आपको 6:30 बजे उठना था ना, उठिए ना प्लीज टप्पू के पापा। जल्दी से उठ गया, अच्छा लगा मुझे। बज रहे हैं तो मुझे 6:30 बजे जगाने के बाद तू कहाँ विदेश यात्रा पर चली गई थी? अरे उठने के बाद मुझे 17 काम होते हैं, ये मेरे काम में लग गई थी। और विदेश जनक मेरे नसीब में कहा आप ले जाओगे तब जाऊंगी ना, लंदन भी अकेले अकेले चले गए थे। अभी लंदन को कहाँ बीच में घुसड़ रही है तू दया, यहाँ एक तो लेट हो गए और तुझे लंदन जाना विदेश जाना है तुझे। हाँ चलो मैं तो तैयार हूँ। चुप रहे, नॉनसेंस। ए भाई सुबह सुबह फटाके की तरह फट फट फूट क्यों रहे तू? अरे बापूजी कल मैंने दया को 4 बार बोला रात को कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 6:30 बजे जगा देना, अभी 7:30 बज रहे बापूजी, अभी जगा रही है मुझे। तुझे सुबह जल्दी उठना था तो सुबह जल्दी उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, तेरी या किसी और की? अरे भाई दूसरे के भरोसे पे रहता ही क्यों तू? पर बापूजी मैंने टप्पू के पापा को 6:30 बजे उठा दिया था और वो जाग भी गए थे, लेकिन पता नहीं वो फिर कब वापस सो गए। लो बोलो, खुद कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है और अभी बहू को डांट रहा है।
अक्कल वगैरह जो ठंडो, जब देखो तब बहू को वड़का भरता रहता है। अरे मक्खी जितना गुड़ पे नहीं बैठती उससे ज्यादा गुस्सा तेरे नाक पे बैठा रहता है। उड़ा दे सब मक्खी को। चल चल अभी पुतले की तरह खड़ा क्या, तुझे देर हो रही है ना, तो जा लाने जा। या दया बिना इतना लेट कर दिया आज। अरे दया चाय नाश्ता ला। गुड मॉर्निंग पापा। जय जिनेंद्र। सुप्रभात। अरे टप्पू क्या कर रहा है बेटा? पापा दादाजी कहते हैं कि बाप बेटे को दोस्त की तरह रहना चाहिए। तो दुश्मन की तरह मेरा गला क्यों दबा रहा है भाई? अरे पापा मैं आपका गला नहीं दबा रहा हूँ, मैं तो आपको प्यार से हग कर रहा हूँ ऐसे। अरे बस भाई बस, बैठ तू शांति से बैठ और नाश्ता कर चल। नाश्ता कहाँ है? अरे दया आई आई। अबे नाश्ता लाना जल्दी भाई तू। इधर एला इधर इधर। मम्मी मेरा नाश्ता। हाँ बेटा लाइव। टपो नहीं बेटा प्लीज। टपो ना बोला ना। वाय मारा पप्पा अटला गुस्से वाला रे। ये भाई ये गाना नहीं है प्लीज। ये गाने से भी मुझे बहुत त्रास होता है। तो कौन सा गाना सुनना है? कौन सा गाना गाऊं? कुछ मत गा खा। ये ले पराठा खा। सॉरी पापा ये मैं नहीं खा सकता। क्यों? ये आपके हक का पराठा है। दादाजी कहते हैं कि जो चीज हमारे हक की हो और हमारे नसीब की हो वही हमें लेनी चाहिए। अरे भाई तो अभी ये पराठा उधार समझ के ले ले, जब मम्मी तेरा पराठा लाएगी तब उधार ही चुका देना भाई। खा चल। सॉरी पापा। दादाजी ये भी कहते जीवन की आखिरी मजबूरी हो तभी उधार लेना चाहिए, वरना उधार रिश्ते बिगाड़ देता है पापा, रिश्ते बिगाड़ देता है। ये लो। थैंक यू मम्मी। पापा ये है मेरे हक का और मेरे नसीब का पराठा। बस तो अभी चुपचाप नाश्ता कर। तो बुकी पापा आप भी नाश्ता कीजिए ना, आप किसकी राय देख रहे हैं? हाँ वो एक चेक स्लिप बुक में भर के फिर नाश्ता करता हूँ मैं। वीडियो भाई सोसाइटी के चेक के बारे में पूछ रहा था। अरे ये चेक मैंने कल ही बना दिया था, तुझे देना भूल गया। ये ले ये उसे दे देना आज, याद से आज आखिरी दिन है, वरना फिर से मेरा सर खाएगा। टप्पू के पापा आप ये चेक आखिरी तारीख को क्यों बनाते हैं? 10 दिन पहले ही बना देने का, फिर वीडियो भाई आपका सर खाने के बदले आपकी तारीफ करेंगे। ओ महाज्ञानी दया देवी जी, अगले महीने से 10 दिन पहले मुझे याद करा देना, मैं चेक बना दूंगा और तुझे दे दूंगा। ठीक है? ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है? चेक कहाँ गया? ये रहा। अरे ये नहीं भाई। तो? वो 25 लाख के चेक की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं देखिए वो चेक आपने मुझे नहीं दिया। अरे भाई पता है मैंने तुझे नहीं दिया। तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अरे तुझसे कौन पूछ रहा है दया, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि चेक कहाँ गया दिख नहीं रहा है। पापा वो चेक कल रात आपने कहाँ रखा था? अरे भाई तू चुपचाप नाश्ता करना। दया वो अलमारी रहने दे, मैं ही देख लेता हूँ। यहाँ तो नहीं है। जी 25 लाख का चेक कहाँ गया? टप्पू के पापा आपको बराबर याद है आपने चेक अलमारी में ही रखा था? हाँ पक्का याद है। अरे दया ये 25 लाख का चेक पार्टी से बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी कई बार फोन करने के बाद। ऐसा चेक का मैं यहाँ वहाँ रख के कैसे भूल सकता हूँ? मुझे बराबर याद है मैंने अलमारी में ही रखा था। चेक मैंने फोल्डर में रखा था और फोल्डर अलमारी में।
हेलो, नहीं भाई रॉन्ग नंबर, नहीं भाई मैं चक्रवर्ती नहीं हूँ भाई। तो फिर कौन का क्या मतलब है? अरे भाई बोला ना रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। सती रखिए। अरे भाई तू रख शांति। पापा रिलैक्स, चेक यही कहीं होगा, मिल जाएगा, चलो ढूंढते। मिला? नहीं, उधर मिला? नहीं। अरे वाह, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। ला। नहीं नहीं पापा, मेरा शापदर मिल गया। कितने दिनों से ढूंढ रहा था, आज एटलास मिल ही गया। टप्पू, यहाँ 25 लाख का चेक गुम हो गया और तुझे मजाक सोच रहा है? टप्पू, तू तो नाश्ता कर लिया बेटा? हाँ। तो जाओ जल्दी स्कूल, जाओ लेट हो जाओगे। जाओ। हाँ, जय जिनेन्द्र मम्मी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पापा। बाय बाय। बाय बाय। मैं क्या कहती हूँ कि आप वो चेक कहीं दुकान में तो नहीं भूल आए? नहीं। सही वक्त पे फोन आ गया नटू काका का। हेलो नटू काका। हेलो सेठ जी, कहाँ हैं आप? मैं घर पे हूँ। क्या अभी तक आप घर पर हैं? फिर मुझे क्या इतने सवेरे जल्दी जल्दी बुला लिया? आपको पता है मैं और भागा बिना चाय पिए भागे भागे सवेरे से यहाँ आकर बैठ गए हैं, और आप अभी तक घर पर हैं? अरे भाई तो चाय मंगा के पी लो। ठीक है सेठ जी। अरे सुनो नटू काका। हाँ। वो 25 लाख का चेक खुशनुमा रिजोर्ट वाला, वो दुकान में है? नहीं, वो तो आप घर जाते समय साथ में लेकर गए थे। अरे यहाँ घर पे नहीं मिल रहा है, आप दुकान में ढूंढिए, मैं दुकान आ ही रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं ढूंढता हूँ। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप थोड़ा जरा नाश्ता करके जाइए ना। अरे नहीं करना नाश्ता भाई। सुनिए, मेरी माँ हमेशा कहती है खाना और घर आए मेहमान को कभी ना नहीं कहते। यहाँ 25 लाख का चेक गुम हो गया है और तू मुझे ज्ञान दे रही है? हम सॉरी, लेकिन देखिए अन्य का अनादर करेंगे ना तो अब सब गुण होगा। प्लीज रिक्वेस्ट, थैंक यू। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी जाने थे, बीच में क्या खड़ी है? हे माता जी, टप्पू के पापा का चेक जल्दी से मिल जाए, वरना वो सबको वड़का ही भरते रहेंगे। मेरी किस्मत भी कबड्डी के खेल जैसी है, जैसे कबड्डी में जिसको मौका मिलते है टांग खींच के पटक देते हैं, ठीक वैसे ही मेरी किस्मत में मुसीबत को मौका मिलते ही वो मुझे पटक देती है। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, सॉरी वो मैं थोड़ा टेंशन में जा रहा था, आपको देखा नहीं, सॉरी, आप बुरा मत लगाना। इट्स ओके, अंडरस्टैंड। लोग कई बार अपने धुन में अपने टेंशन में होते तो उनको आसपास का ध्यान ही नहीं होता है, इट्स ओके। वाह, आप कितने समझदार है बबीता जी। वैसे क्या हुआ, किस बात का टेंशन है? क्या बताऊं बबीता जी। टप्पू के पापा, एक मिनट, जाना नहीं, मैं नीचे आ रही हूँ। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? हाँ क्या बताऊं बबीता जी। बबीता, तुमने घर का चाय भी लिया? हाँ। नहीं क्या है, जब तुम घर पर वापस आओगी ना तब मैं घर पर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे को एक मीटिंग में जाना है। शायद मीटिंग कैंसिल भी हो सकता है। ओके। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। एक मिनट जरा, टप्पू के पापा
आप ये मिर्ची जेब में रख लीजिए। जनरल ये क्या नया चालू किया, क्या दुकान जाते जाते मिर्ची खाते खाते जाते हो? लेकिन वो क्या है, टुम्बू के पापा का 25 लाख का चेक खो गया है ना? Oh my God, आपका 25 लाख का चेक हो गया है? हाँ बबीता जी। लेकिन दया भाभी, ये 25 लाख का चेक गुम होने का और जेब में मिर्ची रखने का कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आया। हाँ दया, ये मिर्ची ये क्या है सब? नहीं, वो माँ के साथ बात की ना, तो मैंने कहा कि आप आपकी जेब में ये मिर्ची रखेंगे ना तो आपको 25 लाख का चेक मिल जाएगा। हाँ, अरे सुंदर वीरा का एक बार 1 लाख का चेक हो गया था तो माँ को सपना आया कि सुंदर वीरा अपनी जेब में मिर्ची रखेगा तो उसको 1 लाख का चेक मिल जाएगा। और आप मानोगे नहीं, अगले दिन माँ ने सुंदर वीरा की जेब में मिर्ची रखी और उसी दिन 1 लाख का चेक मिल गया। फिर तो जेठालाल, तुम्हारा 25 लाख का चेक गुम हुआ है तो तुमको 25 मिर्ची जेब में रखना चाहिए। लेकिन वो जेब में कैसे रखेंगे है ना? तो एक काम करो, तुम 25 मिर्ची का एक हार बना के गले में डाल लो तो अच्छा रहेगा। अय्यर भाई, इधर मेरा 25 लाख का चेक खो गया और आपका मजाक सूझ रहा है? इट्स अ सीरियस मैटर, आई एम सॉरी जेठा जी। और दया, तू भी क्या ये मिर्ची लेके आ गई? मैं ऐसा अंधश्रद्धा में नहीं मानता। माना कि ये अंधश्रद्धा है, लेकिन वो कहावत है ना, मरता क्या न करता और डूबते को टिंकर डिब्बे का सहारा। शायद 25 लाख का चेक मिलने में मिर्ची निमित्त बनती है तो उसमें क्या बुराई है? और मेरी माँ हमेशा कहती है, जीवन में उसकी ही जीत होती है जो जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। अगर आपने मिर्ची जेब में नहीं रखी और आपको चेक नहीं मिला तो आपको जीवन भर अफसोस रहेगा कि आपने मिर्ची जेब में नहीं रखी, इसीलिए आपको चेक नहीं मिला। देखिए, अंधश्रद्धा तो अंधश्रद्धा समझ कर मिर्ची जेब में रखने में क्या नुकसान जाता है? चलो, और कुछ नहीं तो मिर्ची को पैर समझ कर जेब में रख लीजिए। अरे चुप चुप, कब से क्या बड़ 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 किया जा रही है? नहीं रखनी मिर्ची मुझे जेब में। जीठा जी, कूल डाउन, आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। सॉरी बबीता जी, सॉरी दया। सॉरी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वैसे तो इनका स्वभाव बहुत शांत है, वो तो वो 25 लाख का चेक हो गया ना, उसका जरा टेंशन है। टेंशन तो होगा ही ना दया भाभी, 25 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आई होप उनको चेक मिल जाए। रटू काका, चेक मिला? नहीं सेठ जी, मैंने दुकान में ढूंढा, कहीं पर नहीं मिला। हाँ सेठ जी, मैंने भी पूरी दुकान में ढूंढा लेकिन चेक कहीं नहीं मिला। ये सब क्या है? नाइट लैंप रिपेयर कर रहा हूँ। वो ललित काका है ना, उनके साले ने उनकी शादी में उनको ये गिफ्ट दिया था। कौन ललित काका? वो है एक एंटीक पीस है सेठ जी, बिगड़ गया है इसलिए रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन दुकान में क्यों रिपेयर कर रहा है? नहीं, रिपेयर तो घर पे ही कर रहा था। हाँ तो? लेकिन फिर नट्टू काका ने मुझे बताया कि आज आपने हमें दुकान में एकदम जल्दी बुला लिया है। लेकिन मुझे पता था आपने भले ही हमें जल्दी बुला लिया हो लेकिन आपको आते आते लेट हो ही जाएगा, इसीलिए मैं ये लैंप यहाँ ले आया। सोचा पाओ तब तक ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा है मैं लैंप रिपेयर कर लूं। टाइम मैनेजमेंट सेठ जी। टाइम मैनेजर या भंगा रिपेयर करने की दुकान नहीं है, LCD TV फ्रिज बेचने की दुकान है। उठा सब, उठा, बंद कर सब, बंद कर। आपने सेठ जी,
सेठ जी। नटू काका जल्दी वहां से स्विच बंद कर दीजिए। एक मिनट नटू काका। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत है। अरे सेठ जी ये वायर खुला था, आपने खुले वायर को क्यों छुआ? बेवकूफ बेवकूफ, तेरी इस बेवकूफी की वजह से अभी मुझे कुछ हो गया होता तो। सेठ जी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खुले वायर को हाथ नहीं लगाते। बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत कहिए। कहूंगा, एक बार नहीं चार बार कहूंगा। बेवकूफ 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 बेवकूफ। सेठ जी अगर आप चाहें तो मुझे चार चांटे लगा दीजिए, लेकिन बेवकूफ बोल के मेरा घोर अपमान मत कीजिए। बाघा सेठ लोगों का काम है डांटना, मगर हमें हमारी समझदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ना समझूं? अरे सेठ जी यहाँ कोई समझदार नहीं है। मेरा मतलब है सब समझदार हैं। सेठ जी प्लीज प्लीज काम डाउन काम डाउन काम डाउन, शांत हो जाइए। देखिए जो कुछ हुआ उसे नसीब का खेल समझकर सब भूल जाइए। सेठ जी वो 25 लाख का चेक हमने दुकान में ढूंढा पर कहीं पर नहीं मिला। नहीं भागा? मुझे क्या पता, मैं तो बेवकूफ हूं ना। भागा भागा बेटा, कोई तुझे बेवकूफ नहीं बोल रहा। सेठ जी को पता है तू बहुत होशियार है। सेठ जी ने जो कुछ तुझे कहा गुस्से में आकर गलती से। सेठ जी आपको 25 लाख का चेक घर में नहीं मिला? नहीं मिला। बराबर ढूंढा था? अरे हाँ भाई, हमने भी बराबर ढूंढा। गोडाउन में कहाँ ढूंढा? अरे वाह भागा वाह, तुझे दांत देनी पड़ेगी। तू एक काम कर, जल्दी जाके गोडाउन में चेक ढूंढ और मैं और सेठ जी यहाँ एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। जा जल्दी जा, ये लाइट लैंप भी वहां लेके जा बेटा। हाँ जा 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 बेटा जा। अरे ये सब क्या झंझट के बैग है। पता नहीं माधवी सोसाइटी के लोगों में डिसिप्लिन कब आएगा। कैसा लो? आज मेंटेनेंस का चेक देने का आखिरी दिन है और हमेशा की तरह अभी तक जेठल का चेक नहीं आया है। तो मांग लो ना फोन करके, उसमें क्या है। वही तो करना पड़ेगा, वही तो करता हूँ मैं हर महीने, फोन करके उनको याद दिलाओ। उनसे शांति से बात करना पड़। हाँ हाँ मैं ही शांति से बात करूंगा। हेलो जेठालाल। गुड मॉर्निंग जेठालाल। मैंने कहा गुड मॉर्निंग जेठालाल। कौन कौन? अरे भाई भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोल भिड़े, क्या काम है? यहाँ मैं बांसुरी के सुर में बात कर रहा हूँ और वहाँ पे वो फटे हुए ढोल की तरह बज रहा है। हेलो, अरे भाई फोन लगा के सो गया क्या? नहीं भाई सोया नहीं हूँ। क्या हुआ क्या जेठालाल, सुबह से अभी तक चाय नहीं पी है? मैंने पूछा सुबह से अभी तक चाय नहीं पी, तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। अरे नहीं पी भाई, कितनी लेके आता इधर चाय पी लेना दुकान में। दुकान पे? मतलब इतनी सुबह सुबह तुम दुकान पहुंच गए? अरे भाई तूने क्या टाइम पास करने के लिए सुबह सुबह फोन किया है? देखो जेठालाल मैंने टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया है। हाँ तो बोलना भाई क्या काम है। वो चेक का क्या हुआ? तुझे किसने बताया? क्या चेक के बारे में? कि मेरा चेक खो गया है। चेक खो गया? हाँ। कोई बात नहीं दूसरा बना के दे दो। किसको? किसको क्या, मुझको।
मैं तुमको 25 लाख का चेक क्यों बना के दूं? कैसे 25 लाख? हाँ जेठालाल, मैं सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, वो चेक मैं बना के दया को दे के आया हूँ, दया ने तेरे घर पे दे दिया होगा। नहीं, अभी तक मुझे कोई चेक नहीं मिला है। अरे भाई, माधवी भाभी से पूछ, दया ने शायद माधवी भाभी को दिया होगा, तो उनके साड़ी इस्त्री कराने गया होगा तभी। ए भाई, ए माधवी की साड़ी मैं घर पे इस्त्री करता हूँ, और मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि तुम्हें हर महीने मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है कि मेंटेनेंस का चेक दे दो करके। तुम याद नहीं रख सकते? ये सोसाइटी का काम होता है ना, हम सबका काम होता है जेठालाल, हम सबका फर्ज है ये। जरा लाइफ में डिसिप्लिन रखो। अरे बस भाई, अभी सुबह सुबह क्या भाषण दे रहा है? भाषण? अभी आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है ना, आखिरी दिन पूरा होने से पहले तुझे चेक मिल जाएगा भाई। हेलो हेलो, कैसे लगाए बनाले? इसे कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए आप शांत हो जाइए। अरे काय शांत हो जाइए माधवी, बिना मुझे मुझसे गुस्से में बात कर रहा है वो। मैंने उसे सोसाइटी के काम से ही फोन किया था, कोई पर्सनल काम से नहीं किया था ना मैंने। जाने दो ना अभी। जाने दो अभी? तेज मिनटे में। अरे मुझे जाने दो अभी, मैं जाकर चेक लेके आता हूँ, पता नहीं दया भी कब आएगी चेक लेकर। चेक कहाँ ढूंढू? मुझे बेवकूफ कहते हैं। हेलो। अरे दया, तूने अभी तक भीड़ा को चेक नहीं दिया? नहीं, मैं बस अभी देने ही जा रही हूँ। अरे क्या देने जा रही हूँ दया, आज क्या हो गया तुझे? सुबह मुझे लेट उठाया, भीड़ा को अभी तक चेक नहीं दिया, वो भीड़ा का फोन आया था मुझे अभी, तेरी वजह से सुबह सुबह खामखा मुझे उसका भाषण सुनना पड़ा। सॉरी बाबा सॉरी, आप गुस्सा मत कीजिए, जरा मगज को शांत रखिए। क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि अरे भाई, तेरी माँ जो कुछ भी कहती हो उसको छोड़, तू अभी कभी भीड़ा को जाकर चेक दे क्या भाई? हाँ हाँ जती। नमस्ते दया भाभी। नमस्ते भीड़ा भाई, मैं आपके घर पे ही चेक देने के लिए आ रही थी, आपने क्यों तकलीफ की? नहीं दरअसल तकलीफ हुई इसलिए आना पड़ा। सॉरी, वो क्या है, टप्पू के पापा ने तो सुबह ही चेक तैयार रखा था, लेकिन मैं मेरे काम में रह गई ना, तो जरा देरी हो गई। नहीं नहीं, चेक की बात नहीं है। क्यों, चेक नहीं चाहिए? नहीं नहीं, चेक चाहिए। तो मुझे हाँ, दरअसल बात मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ कहिए ना। बात यह है कि कसम खुलतस नहीं है, क्या है, छोटे बच्चों के झगड़े की तरह कंप्लेंट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप जरा जेठालाल को प्लीज समझा दीजिए। हाँ हाँ, मैं टप्पू के पापा को समझा दूंगी, आपको वक्त पर चेक दे दे। नहीं, बात चेक की नहीं है, मैंने जेठालाल को चेक के लिए फोन किया था तो उसने मुझसे उस वक्त गुस्से में बात की। सॉरी भिड़े भाई। नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रही है? अच्छा, मैं टप्पू के पापा को समझाऊंगी कि आपको सॉरी कहे। नहीं नहीं, मुझे सॉरी नहीं सुनना है। तो दया भाभी, अभी ये चेक में मेरे लिए तो नहीं मांग रहा था ना? तो है? हाँ, आप सोसाइटी के लिए मांग रहे थे। हाँ, मतलब मैं सोसाइटी का ही काम कर रहा था, अभी जेठालाल इतना समझदार इंसान होकर ऐसे गुस्से में बात करेगा तो ठीक नहीं लगता है, गुस्सा तो मुझे भी आ सकता है ना, लेकिन मैंने समझदारी दिखाई, वरना बात बिगड़ सकती थी। सॉरी भीड़ भाई, लेकिन वो क्या है, जरा दुकान में वो धंधे का टेंशन है ना, तो भाभी आज के जमाने में टेंशन किसे नहीं होता है, आपको पता है 4 पार्टियों ने पिछले 6 महीने से पापड़ और अचार का बिल नहीं दिया है, अभी टेंशन तो सभी को होता है ना दया भाभी। सॉरी भीड़ भाई। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बार बार, देखिए मैं कंप्लेंट करने नहीं आया हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, आप जरा जेठालाल को समझाइए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, क्या है मैं था इसलिए मैं समझ गया, वरना कोई और होता तो झगड़ा हो जाता। भीड़ भाई प्लीज प्लीज सॉरी मत बोलिए प्लीज।
थैंक यू, आपने सब संभाल लिया। थैंक यू। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा, थैंक यू फॉर द चेक। सॉरी। थैंक यू भाई। टप्पू के पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है कि दया किसी को बुरा लगे ऐसा गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आता तो अकेला है लेकिन अपने साथ हमारी सुख शांति चैन ले जाता है। पापा। सेठ जी, दुकान में चेक तो कहीं नहीं है। गोडाउन में भी नहीं है। 25 लाख का चेक गया किधर? नटू काका, सेठ जी से पूछिए, घर जाते वक्त उन्होंने रास्ते में चेक कहीं गिरा तो नहीं दिया? सेठ जी, सुना मैंने। तो सेठ जी, भागा की बात में दम है। हाँ, याद है एक दिन रास्ते में आपने बिल गिरा दिया था। गिरा दिया था का क्या मतलब है? मतलब गिर गया होगा। उसी तरह ये चेक भी गिर गया होगा और आपको पता नहीं चला होगा। अगर चेक कहीं गिर गया होगा और किसी फ्रॉड आदमी के हाथ में आ गया, तो वो दूसरी बैंक में जाकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का अकाउंट खुलवा कर 25 लाख कैश कर लेगा। नटू काका, अभी कभी खुशनुमा रिसोर्ट में फोन कीजिए और उनको बोलिए कि ये चेक का स्टॉप पेमेंट कर दे और उसकी जगह पे हमको दूसरा चेक दे दे। लेकिन सेठ जी, वहाँ की अकाउंटेंट मोना बहुत वाइडी है। 25 फोन किए थे तब जाकर उसने 25 लाख का चेक दिया था। अरे तो वो मोना को कहाँ, हमें हमारे खानदान की बहू बना के घर पे बिठाना है। आप फोन कीजिए ना भाई, जैसे भी है फोन कीजिए। ठीक है। हेलो। हेलो मोना जी, नट्टोलाल प्रभा शंकर उंडाई वाला फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका बोलिए। हाउ आर यू मोना? अरे चेक की बात करो ना भाई। हेलो। हाँ मोना जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बोलिए। वो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। वो आपने हमको चेक दिया था ना 25 लाख का, वो क्या थोड़ा गुम हो गया है, खो गया है। वेरी गुड। चेक के लिए आप लोग मुझे रोज फोन करते थे और अब चेक दिया तो आपने चेक ही खो दिया। पता है कितनी मुश्किल से बहुत से चेक साइन कराया था मैंने। ये तो मुझे ऐसा डांट रही है जैसे मैंने इससे 25 लाख का लोन लिया हो। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं आप? सॉरी, गलती हो गई। अभी क्या, गलती इंसान से ही होती है ना। तो आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे प्लीज? वो चेक का जरा स्टॉप पेमेंट करवा देंगे? क्या वो चेक किसी गलत आदमी के हाथों में पड़ गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा नहीं, नुकसान आपका हुआ है, क्योंकि चेक आपसे गुम हुआ है, हमसे नहीं। हाँ हाँ, हमारा मतलब हमारा, आपका नहीं। तो प्लीज जरा वो चेक का स्टॉप पेमेंट करवा देंगे प्लीज? ठीक है जेठालाल जी। थैंक यू, थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा, अभी ये चेक तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बदले मैं दूसरा चेक लेने के लिए नटू काका को भेज दूं? हाँ भेज दीजिए। थैंक यू। लेकिन एक महीने बाद। एक महीने बाद? हाँ, क्योंकि चेक साइन करने वाले हमारे MD वो एक महीने के लिए पेरू गए हैं। पेरू खाने कहाँ गए? पेरू, ब्राजील गए हैं, फॉरेन गए हैं। विदेश, विदेश। तो उनकी जगह पे और कोई नहीं है जो चेक पर साइन कर सके? देखिए जेठालाल जी, 5 लाख से ऊपर का चेक हमारे वो ही MD साइन करते हैं। आ तो चलेगा, मुझे 5-5 के 5 चेक दे दो। सॉरी जेठा जी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि एक महीने या उससे पहले मेरा MD आया तो आपका चेक साइन हो जाएगा। नहीं नहीं, हेलो। क्या हुआ सेठ जी? फोन रख दिया वाइडी ने, बोल रही है दूसरा चेक 1 महीने बाद मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सेठ जी, क्योंकि उस चेक के सामने तो हमने सब डीलर्स भावेश भाई, महेश भाई, राकेश भाई को चेक दे दिए हैं। अब उनके चेक बाउंस हो जाएंगे। वो राकेश भाई एक नंबर के खड़ूस आदमी है, अगर उनका चेक बाउंस हो गया तो वो तो सेठ जी पे केस ही कर देंगे। भाई तू यहाँ खड़े खड़े क्या कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है? नटू काका, सेठ जी से कहिए, वो भले ही मुझे बेवकूफ समझते हो लेकिन जब मेरी बात सच होगी
और वो कोर्ट के कटघरे में खड़े होंगे तब उन्हें पता चलेगा ये बागा कितनी समझदारी की बात करता था। नटू काका, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1,10,620.99 रुपये। और आपके पर्सनल अकाउंट में भी सिर्फ 50,000 रुपये है। एक काम करो, सब डीलर को फोन करके जरा रिक्वेस्ट करो कि हमारे चेक अभी बैंक में ना डाले। एक मिनट। अरे नटू काका, उधर भी फोन था ना। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अरे वापस वहां कहाँ जा रहे? अभी यहाँ आ गए थे, यहीं से फोन कीजिए। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे नटू काका? बोले नंबर बोलिए। नहीं नहीं, आपको नहीं जमेगा, बहुत अटपटा नंबर है, मैं लगाता हूँ। हेलो। हेलो महेश भाई, नटू काका बोल रहा हूँ। हाँ बोले नटू काका। कैसे हैं महेश भाई? बस एकदम फर्स्ट क्लास। बोलो नटू काका, कितने पीस मोबाइल भेजूँ? महेश भाई, फिलहाल हमें मोबाइल के पीस नहीं चाहिए, सिर्फ पीस चाहिए, शांति। मतलब? हमारे सेठ जी से 25 लाख का चेक मिसप्लेस हो गया है, तो हमने उसके सामने आपको जो 10 लाख का चेक दिया है ना, वो भी 2-3 दिन के लिए मत डालिए प्लीज। अरे नटू काका, आपने तो मुझे फंसा दिया। वैसे कितने दिन लगेंगे? नहीं नहीं, जैसे ही 2-3 दिन में इंतजाम हो जाएगा ना, मैं आपको सामने से फोन कर दूंगा, प्लीज। ठीक है नटू काका, कोई बात नहीं। चलो महेश भाई तो मान गए, अभी भावेश भाई को श्री जी में फोन करता हूँ। हेलो भावेश भाई। चलिए भावेश भाई भी मान गए, अभी सिर्फ राकेश भाई बाकी रह गए हैं। हेलो राकेश भाई। हाँ नटू काका, बोलिए। ठीक है नटू काका। अरे थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच। कमाल हो गया, राकेश भाई मान गए, कुछ बोले ही नहीं, बोले ठीक है समझ गया। बाहर से लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बाहर से लोगों को दिखने वाले बेवकूफ बेवकूफ होते नहीं है। सेठ जी, अभी तो ये सब मान गए हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, हमारा जिन जिन से पेमेंट लेना बाकी है सबको जरा फोन करके बोल दो कि अभी जरा जरूरत है, तो इस बार थोड़ा अर्जेंट में हमको पेमेंट दे दे। ठीक है, अभी कर देता हूँ। जेठा भाई। अरे राकेश भाई, आप यहाँ? आना पड़ा जेठा भाई। ये नटू काका क्या बोल रहा है? ये तो टेंशन वाली बात हो गई। देखो प्लीज, आप वो मेरा चेक पेमेंट मत रुकवाइए। नहीं नहीं, देखिए राकेश भाई, पहली बार आपको चेक रोकने को बोल रहा हूँ, क्या थोड़ी मजबूरी है इसके लिए? तो मैं भी तो मजबूर हूँ ना। अरे भाई, आपके 4 लाख के चेक के भरोसे मैंने सामने वाले पार्टी को चेक दे के रखा है, उनको क्या कहूँगा अब मैं? आ तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा आप अपनी पार्टी को बोल दो कि 2-3 दिन बाद चेक डाले, और क्या, ताकि मेरी नाक कट जाए। देखो जेठा भाई, मार्केट में इज्जत है मेरी। तो हमारी नहीं है राकेश भाई, हैं? हम भी इसी मार्केट में काम करते हैं ना। अभी थोड़ा फंस गया हूँ इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, और क्या। देखो जेठा भाई, मैं समझ सकता हूँ, पार्टी तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखेगी, बल्कि इल्जाम लगाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनके पैसे की रोलिंग कर रहा हूँ। कैसे भी करके आप मेरा चेक क्लियर करवाओ। राकेश भाई प्लीज प्लीज, आप मत कहिए प्लीज, मैं आपसे कहता हूँ। देखो जेठा भाई, ये सब कुछ मैं पार्टी को नहीं बोल सकता, वो लोग तो मुझे कहेंगे कि मुझे धंधा करना नहीं आता है। देखिए राकेश भाई, नटू काका रहने दीजिए, बागा एक काम कर, तू अभी का भी घर जा, मैं दया को फोन करके बोल देता हूँ, वो तुझे एक चेक देगी, वो लेकर तुरंत वापस इधर आ। राकेश भाई, मैंने आपको जो चेक दिया ना वो मत डालना, उसकी जगह मैं आपको दूसरा चेक देता हूँ, वो डाल देना, आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा।
हाँ दया, अभी बागा घर पे आ रहा है। अच्छा किया, मैं बागा भाई के साथ टिफिन भेज देती हूँ। आज बैंगन का भरता बनाया है। अभी दिमाग का भरता मत बना। देख टिफिन बाद में, पहले बागा को चेक दे देना। अरे चेक तो भिड़ू भाई कब के लेकर गए? अरे सोसाइटी का चेक नहीं, तो तेरे पर्सनल अकाउंट की चेक बुक में से एक चेक पे साइन करके वो चेक बागा को दे देना। उस पे और कुछ लिखना मत, बाकी सब मैं इधर लिख लूंगा। ठीक है? ठीक है। हाँ। आपका चेक आ रहा है। हाँ, थैंक यू। वैसे एक बात बोलूं राकेश भाई, धंधा पैसों से ज्यादा जबान पे होता है। खैर आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं एक बात बराबर समझ गया, जो पार्टी को आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है ना, उसके साथ धंधा नहीं करना चाहिए। बागा सेठानी जी। अरे बागा भाई, आइए आइए, टिफिन तैयारी है, मैं अभी आपको चेक देती हूँ। बागा भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है सेठानी जी, पर किस्मत नहीं। क्या हुआ किस्मत को? सेठानी जी आप मुझे बताइए, मैं बेवकूफ हूँ या अकलमंद? क्या हुआ? अकलमंद। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आप जवेरी हो जवेरी? नहीं मैं गड़ा हूँ। जवेरी मतलब हीरे को परखने वाली जवेरी। आपको पता है सेठानी जी, पूरा गांव मुझे अकलमंद समझता है, और गांव में अगर कोई मुझे बेवकूफ समझे तो पूरा गांव उसे बेवकूफ समझता है। बराबर। लेकिन आज सेठ जी ने ना करने वाला काम कर दिया। क्या किया? सेठानी जी अगर सेठ जी मुझे नाकारा निकम्मा कहते, मुझ पर और गुस्सा करते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन आज सेठ जी ने मुझे बेवकूफ कहा, बेवकूफ। देखियो बागा भाई, वो टप्पू के पापा ने गुस्से में कहा होगा, बाकी उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भूल जाइए, मैं टप्पू के पापा को समझा दूंगी कि आपको अकलमंद का है। चेक? हाँ, नहीं, नहीं। एक मिनट। क्या हुआ सेठानी जी, पेन नहीं चल रही है? ये लीजिए। नहीं नहीं पेन नहीं, चेक खाली हो गया है। अरे बाप रे। हेलो। अरे वो बागा चेक लेके निकला क्या? नहीं टप्पू के पापा, वो क्या हुआ? वो चेक नहीं है, खाली हो गया। चेक खाली हो गया मतलब? मतलब चेकबुक में एक भी चेक नहीं है, खाली हो गया। चेकबुक में एक भी चेक बाकी नहीं है? नहीं। अरे दया, तुझे देखना चाहिए ना, मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बैंक से दूसरी चेकबुक मंगा लेता। सॉरी, लेकिन आप मुझे क्यों वर्का भरते हो? अब चेक के बारे में मुझे क्या पता? आप तो मुझे जहाँ पर कहते हैं मैं वहाँ पर सही कर देती हूँ। अब चेकबुक में चेक है कि नहीं है उसके बारे में तो आप ही चेक करते हैं ना। हाँ तू कुछ मत देख। मैं बागा भाई के साथ टिफिन भेजती हूँ। मुझे नहीं खाना, खाना मत भेजना टिफिन। बागा भाई, टिफिन के पापा भले मना करें, आप टिफिन लेकर जाइए। जी ठीक है। जेठा भाई, अब मैं क्या कहूँ पार्टी को? कुछ मत बोलिए, आप जाइए, आपका चेक पास हो जाएगा। मैंने जो आपको चेक दिया है वही बैंक में जमा कर दीजिए, आपका चेक पास हो जाएगा। पास हो जाएगा ना? अरे बोलता रहा हूँ भाई। थैंक यू जेठा भाई। और नंदू काका, बहुत दिन से आपसे कुछ ऑर्डर नहीं मिला। नहीं नहीं ऑर्डर बॉर्डर अभी बाद में, पहले ये हिसाब तो क्लियर हो जाए। जेठा भाई हिसाब किताब तो चलता रहेगा, आपका पैसा कहाँ भागा जा रहा है? आप जाइए पहले वो चेक बैंक में जमा करके आइए। ओके सेठ जी, आपने चेक डिपॉजिट करने को तो बोल दिया, मगर उनका 4 लाख का चेक है, बाउंस हो गया तो कोर्ट में केस कर देगा। चेक बाउंस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बैंक में मेरी 25 लाख की एफडी है,
वो तोड़ देता हूँ मैं। सेठ जी आप एफडी तोड़ देंगे? आप वो महेश भाई और भावेश भाई को भी बोल दीजिए अपना अपना चेक जमा कर दे, मैं आता हूँ बैंक में जाके। ये खुशनुमा रिसोर्ट ने तो सेठ जी को नाखुश कर दिया। 1 2 3 4 5 6 नटू काका। हाँ सेठ जी। मैंने एफडी तोड़वा दिया, सबको बोल दिया अपना अपना चेक डाल दे। हाँ सेठ जी, सबको मैंने फोन करके बोल दिया। चलो आज सर से टेंशन गया, साथ में पैसा भी गया। पैसा? और नहीं तो क्या सेठ जी, आपने 25 लाख की एफडी तोड़वा दी तो 25 लाख का इंटरेस्ट तो गया ना। क्या कर सकते हैं नटू काका, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रास्ता था सेठ जी, मैंने आपको SMS भी किया था। ये देखिए, डियर सर, सब्जेक्ट थिंक स्मार्ट, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द FD, व्हाई यू नॉट टेक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक, इन दैट केस वी विल नॉट लॉस द इंटरेस्ट वी गेट फ्रॉम FD, सो विथ माई एक्सपीरियंस आई वुड एडवाइज टेक ओवरड्राफ्ट एंड डोंट ब्रेक FD, अल्टीमेट यू आर द बॉस and boss is always right, so you decide. Yours lovely, Natolal Prabhashankar Udhaiwala. Natu kaka, SMS ka matlab malum hai aapko? SMS ka matlab small mein sandesha. Ye SMS nahi, ye to patra likha aapne. Aur woh bhi English mein. I know, Seth ji, aapko angrezi padhne mein thodi takleef hoti hai. Lekin aap bank mein the, तो मुझे लगा कि आप अगल बगल में किसी से पढ़वा लेंगे। खर्चा न दीजिए, ये SMS के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता था कि FD तोड़ने के बजाय आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्यों नहीं ले लेते। आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया होगा। आया था तो? ओह माय गॉड, नॉट बिलीवेबल। अरे सेठ जी, तो फिर आपने FD क्यों तोड़वाई? अरे नटू काका, पिछले हफ्ते ही तो हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल किया था। अब यो मैनेजर का क्या मैं साला हूँ जो रोज रोज मुझे ये फैसिलिटी दे? ओह यस, आई रिमेम्बर। सॉरी सेठ जी, स्लीप ऑफ माइंड। खैर जाने दीजिए, ये लेटर फाड़ दीजिए, आई मीन डिलीट द मैसेज। किस्मत का खेल समझ कर सारा वाक्य भूल जाइए। ये किस्मत इस अज्ञाती मुझे ही क्यों पसंद करती है खेल खेलने के लिए? सेठ जी, लगता है किस्मत को आपसे इश्क हो गया है। आप लाडले हैं ना? अरे लाडला हूँ तो मुझे जितना देना चाहिए ना, ये तो मुझे हमेशा हराती है। सब किस्मत का खेल है सेठ जी। सेठ जी, बुरा न माने तो एक बात कहूँ? पगार बढ़ाने की बात मत करना नटू काका। नहीं नहीं सेठ जी, पगार की बात नहीं है, ये तो दूसरी बात है। क्या? आपने जब से बागा को बेवकूफ कहा है ना, तब से बेचारे का दिल टूट गया है। तो क्या अभी गुंदर लेकर उसका दिल जोड़ दूं? अरे सेठ जी, गुंदर लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बस एक बार प्यार से कह दीजिए कि वो बेवकूफ नहीं है, उसका दिल जुड़ जाएगा। बागा। सेठ जी, बागा आया, बोल दीजिए। आओ बागा, आओ बागा। सेठ जी तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैं भी सेठ जी से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यही कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? चेस खेलकर, सेठ जी के साथ। मैं चेस की गेम में जीत जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं अकलमंद हूँ, बेवकूफ नहीं। अभी चेक की रामायण पूरी हुई नहीं हुई तब ये चेस की रामायण चालू हो गई। अरे भाई, मुझे कोई चेस बस नहीं खेलना है, मैं मानता हूँ कि तू बेवकूफ नहीं है, बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। देखा नट्टू काका, सेठ जी ने मान लिया कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बस अब तो तू खुश है ना बेटा? सेठ जी, इस खुशी के मौके पर गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। टिफिन कहाँ गया? कौन सा टिफिन? वो सेठानी जी ने आपके लिए टिफिन भेजा था। तो कहाँ गया वो? लगता है मैं रिक्शा में भूल गया। अभी मैं इसको बेवकूफ ना कहूँ तो क्या कहूँ? बाघा, बाघा।
सेठ जी, भूखे पेट गुस्सा अच्छा नहीं, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवा देता हूँ। बिल मुझसे ले लेना। बागा बस बेटा। दे बागा, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है 25 लाख का चेक। नहीं सेठ जी, मैं चेक नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना छाता ढूंढ रहा हूँ। आपने कहीं मेरा छाता देखा? तेरे छाते का ध्यान रखने के लिए बैठा हूँ ना मैं यहाँ पे। सॉरी सेठ जी। मिल गया, वॉशिंग मशीन के अंदर रखा था। क्या धोने डाला था? ये तो लेडीज छाता है। मस्त है ना? तो लेडीज छाता वापरता है? सेठ जी, मुझे लेडीज छाते ही पसंद है। जेंट्स छाते में सिर्फ एक ही कलर आता है, काला। और लेडीज छाते में तो कितने सारे कलर आते हैं। और वैसे भी सेठ जी, छाते का काम है हमें बारिश से बचाना। फिर वो लेडीज छाता हो या जेंट्स, क्या फर्क पड़ता है? मुबारक हो सेठ जी, कांग्रेचुलेशंस, मिल गया। 25 लाख का चेक मिल गया? नहीं, 25 लाख का चेक नहीं, आपका टिफिन मिल गया। अभी रिक्शा वाला दे के गया। सेठ जी, मगन से कहकर खाना लगवा दूं? सुबह का टिफिन अभी रात को खाऊं? सेठ जी, सवेरे से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए। भूख के कारण आप चिड़िया हो गए हैं। भूख के कारण छोटी छोटी बात पे आप कितना चिड़चिड़ कर रहे हैं। आपको टिफिन का ठंडा खाना नहीं खाना है तो होटल से गर्मा गर्म खाना मंगवा दू। नहीं नटू काका, अभी तो सीधा घर जाकर खाना खाऊंगा। अब्दुल की नई दुकान की नई पेशकश, जीरा सोडा। वाह अब्दुल वाह, ओए मस्त है तेरा ये नया जीरा सोडा। भाई कैंसल कैंसल कैंसल। क्यों पवन भाई, अच्छा नहीं लगा? सेब बढ़िया है। अच्छा है। अरे नहीं 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 अब्दुल भैया, ये तो बहुत फर्स्ट क्लास टेस्ट है। मैं तो ये कह रहा था कि आज से तुम्हारी जो पुरानी वाली सोडा ना, नींबू सोडा, वो पीना कैंसल। तुम्हारा बोलना कैंसल पोपटलाल। अब्दुल का पुराना वाला सोडा और ये वाला सोडा दोनों अच्छे हैं। करेक्ट। अरे ये जयडलाल अब तक आया नहीं? हाँ जे, अरे वो देखो नाम लिया, जयडलाल आ गया। आ रहा है जयडलाल। अरे बाप रे, ये 100 साल जी है का? नहीं कुछ नहीं। ओ आओ जयडलाल, आ जाओ। क्या जयडलाल, इतना लेट कहाँ हुए, कहाँ से आ रहे हो आज? अरे बात मत पूछो मेहता साहब, आज का दिन ही खराब है पूरा। क्या हुआ? सुबह से एक तो कुछ खाया नहीं, एक डील करने के लिए चर्च गेट गया, डील हुआ नहीं, खामों का धक्का हुआ और सर घूम गया। जेठा भाई, आज अब्दुल ने एक नई चीज मार्केट में उतारी है, जीरा सोडा। पी लीजिए, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, पिला दे सोडा, पिला दे, आज बिना खाना खाए पी लेता हूँ, कुछ तो जाए पेट में। अरे जयडालाल, तुमको वो चेक का टेंशन था? मिला? हाँ मिल गया मिल गया, मैं खुद तुम्हारे घर गया था, अभी से चेक ले लिया मैंने। अरे यार भाई, मेरा 25 लाख का चेक गुम हो गया, उसकी बात कर रहा है भाई? ओहो, नहीं नहीं, मैं तो सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक की बात कर रहा था। वैसे जेठालाल, इस बार तो ठीक है, लेकिन आइंदा जरा वक्त पर चेक दे देना। हाँ वक्त पर चेक दे देना मतलब क्या भाई? हा? आज आखिरी दिन था ना, शाम तक इंतजार नहीं कर सकता था? पहुंच गया घर पर चेक लेने के लिए। जेठालाल, तुम क्या मुझे तुम्हारी दुकान में काम करने वाला मगन समझ रहे हो, जो इस तरह गुस्से से बात कर रहे हो मुझसे? सुबह जब मैंने इसे फोन किया था तब भी गुस्से में बात कर रहा था, तब मैंने समझदारी दिखाई, मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी भी गुस्सा कर रहा है, वो भी सबके सामने। हाँ जेठा भरा, ओ यार ऐसे सबके सामने गुस्सा करना तो जायज बात नहीं है। अरे लेकिन सोड़ी, मैं बोलता हूँ गुस्सा करना ही क्यों है, और मैंने कोई पर्सनल काम के लिए फोन नहीं किया था, सोसाइटी का काम कर रहा था ना मैं। एकदम करेक्ट आत्माराम, जयठालाल मेरे ऊपर भी गुस्सा कर रहा था। जेठा भाई, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है और समाज के लिए भी। हाँ थूक दो गुस्सा। तुम सबने क्या आज मुझे ताना मारने का स्पेशल प्रोग्राम बनाया है?
नहीं नहीं जेठालाल, ताना मारने जैसी कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम गुस्सा मत करो, आप लोग भी शांत हो जाना। बैठो भाई, बैठो। हम लोग तो शांति है, हमको तो सिंपति है जेठालाल से कि इसका 25 लाख का चेक गुम हो गया, लेकिन ये जेठालाल गुस्से से उछल रहा है, उछल रहा है। क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी जेठालाल, सॉरी। अरे क्या सॉरी, एक फालतू छाता नहीं संभाल सकते और चले शादी कर ले। ओ तेरी पोपू की दुखती रग दबा दी। क्या बोल रहे हो जेठालाल? भाई तुम्हारा चेक खो गया, उसमें बेचारे मेरे छाते की क्या गलती है? हम तो तुम्हें कब से समझा रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मत करो मेरा भला। मैंने बोला मेरा भला करो। ओए जेठा परा यार, ओ शांत हो जाओ। झूठे, तुमने मुझे मारा? अरे कमाल है जेठा परा, ओ यारी दोस्ती में जैसे मैं हमेशा सबको ताफी देता हूँ वैसा किया, देखा? झूठे, नहीं। थोड़ी ये जेठालाल को समझाने का कोई फायदा नहीं है, आज ये तब से लड़ने के मूड में है। हाँ मैं हूँ, करूंगा सब पे गुस्सा करूंगा। जेठा भाई ठंडा जीरा सोडा पियो और ठंडे हो जाओ। तू पी। अरे जेठालाल, अरे सुनो जेठालाल। दया दया। जेठालाल, अरे जेठालाल, अरे जेठालाल सुनो तो, जेठालाल, अरे मेरी बात तो सुनो भाई जेठालाल। अरे कमाल है, क्या हुआ मिस्टर सैम? अरे बहुत गुस्से में है जेठालाल। अरे दया भाभी, वो जेठालाल का चेक खो जाने की वजह से वो इतना परेशान है कि गुस्से में सबसे लड़ाई कर रहा है। वहाँ अब्दुल की दुकान पे पोपटल का छाता जरा सा लग गया तो उससे लड़ बैठा, सोडी ने मजाक में धौल मारा तो उससे लड़ाई कर ली। इतना गुस्से में कि सोडा भी नहीं पिया और चला आया गुस्से में। मेहता साहब, बेटा अपना मनाया कि नहीं? अरे नहीं भाई, गुस्से में चला गया घर में। अरे तो चलो उसके घर चलते हैं, उसको मनाते हैं। हाँ। कोई जरूरत नहीं है घर पे जाके मनाने की, जेठालाल बच्चा है कि उसे घर पे जाके मनाए। अरे और नहीं तो क्या, और ऐसा हमने क्या बोल दिया जो इतना गुस्सा आया उसे? तो अरे मनाना है तो मुझे मनाओ। क्यों, तू छोटा बच्चा है? मुझे दुख हुआ है। अरे पोपटलाल, तुम्हें दुख हुआ है ठीक है, लेकिन उसकी परेशानी भी समझने की कोशिश करो। देखो एक तो शायद चेक मिला नहीं उसकी वजह से परेशान हो, और दूसरा सुबह से खाना नहीं खाया तो हो सकता है इसलिए गुस्सा आ रहा हो। हाँ। कहते हैं ना कि हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री मैन। क्यों डॉक्टर आती? सही बात है, एंग्री मैन इज ऑलवेज हंग्री मैन। दया। दया कहाँ रह गई? आई आई आ गई। चल ले भाई जल्दी, यहाँ जोर से भूख लगी है, खाना दे जल्दी। सान सान टप्पू के पापा, आज आप सुबह से कितना गुस्सा कर रहे हैं। ए भाई, तू क्या गुस्सा करने की मशीन हो गया? कभी बहू पे गुस्सा, कभी टप्पू पे गुस्सा। अरे गुस्सा करने से चेहरे पे करचलियाँ पड़ जाती है, ऐसे ही गुस्सा करता रहेगा तो अभी से मेरे जैसा दिखने लगेगा। बापू जी वो क्या है, टप्पू के पापा का 25 लाख का चेक गुम हो गया है, इसलिए शायद। 25 लाख का चेक गुम हो गया? कैसे गुम हो गया? वो तो इन्होंने कहीं रखा था, लेकिन अभी इनको ही याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखा है। हाँ तो भाई चेक तुझसे गुम हुआ है, वो तेरा प्रॉब्लम है, उसमें बिना बजे दूसरों पे क्यों गुस्सा कर रहा है? हाँ देखिए, अब छोटी छोटी बाबतों में गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत पर असर हो जाएगी। अभी जल्दी से खाना नहीं खाया ना तो वाकई में मेरी तबीयत पे असर हो जाएगी, मैं भूख के मारे बेहोश हो जाऊंगा। हाँ, जल्दी से खाना परोस। हाँ,
बापू जी आपने भी खाना नहीं खाया? मैं बेहोश हूँ, होश में हूँ ना, मतलब क्या? मैंने खाना खा लिया है, तू भी खाना खा ले, पेट में शांति हो जाएगी तो दिमाग भी शांत हो जाएगा। जल्दी से खाना नहीं खाऊंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। मजा आ गया। मिर्ची बताओ, मिर्ची मैं जेब में नहीं रखता, फिर भी चेक तो पैंट की जेब में से बाहर निकलता ही ना। वो थोड़ी ऐसे बोलता कि नहीं नहीं पहले जेब में मिर्ची रखो, बाद में ही बाहर निकलूंगा। पर चेक आपकी जेब तक पहुंचा कैसे? बोलिए बोलिए मालिक, रतन भाई बोलिए। अरे दया क्या हुआ, सुबह क्या एक पार्टी का फोन आया था 10 LCD की डिलीवरी के लिए, तो उनसे फोन पे बात करते करते चेक मैंने जेब में रख दिया और भूल गया। बोलो आने के बाद केड़ में छोकरू और गांव में गोता गोत। वैसे खुशनुमा रिजॉर्ट वाले को खामा का फोन करके बोल दिया स्टॉप पेमेंट का। अरे कोई बात नहीं, कल फोन करके वो लोगों को बोल देना कि चेक मिल गया है तो पेमेंट स्टार्ट कर दे। वैसे टप्पू के पापा, गलती आपकी थी, आप चेक खुद अपनी जेब में रखकर भूल गए और आज आपने सब पर कितना गुस्सा किया। हाँ दया, वो अभी अब्दुल के दुकान पे भीड़े पोपटला लयर भाई सोडी सब पे बहुत गुस्सा किया मैंने, खामखा दोपहर को बाघा पे भड़क गया, और तो और बबीता जी और अय्यर भाई के सामने मैंने तुझ पे भी गुस्सा किया, सॉरी दया। कोई बात नहीं, लेकिन टप्पू के पापा आप इतना गुस्सा करते ही क्यों हो? क्या करूं दया, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूं, फिर भी परिस्थिति मुझसे सोटी मार मार के गुस्सा जबरदस्ती करवाती है। तो परिस्थिति के हाथ से सोटी खींच कर क्या देने का? जा जा, तू लाख कोशिश करे ना फिर भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, समझी चिबावली? मतलब परिस्थिति पे गुस्सा करने का, गुस्सा तो करने का ही। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं परिस्थिति को कहने का कि अरे जानो भाई, तू लाख कोशिश कर ले ना फिर भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, समझी चिबावली? चल दे ले मिर्ची खा ले अभी। कौन मैं? तू क्यों? आज दोपहर को दुकान में मैंने सपना देखा, उसमें तेरी माँ ने आके मुझसे कहा कि दामाद जी अगर आज आपको चेक मिल जाता है तो आप ये मिर्ची मेरी बेटी दया को खिला देना, तो आज के बाद आपका एक भी चेक कभी भी नहीं घूमेगा। मैंने ऐसा कहा? ले 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 ले, ले। परिस्थिति
ये कैसा बदला ले रही है तू मुझसे? मैंने तुम्हें चिमौली कहा इसलिए? क्यों? अच्छा टप्पू के पापा मजाक कर रहे हैं? सॉरी सॉरी यार, थैंक यू मेरी चीबू। नटखट लुच्चू। छोड़ दिया सॉरी सॉरी। टप्पू के पापा आपने मस्त मजाक किया। मजे आया? दे मैं आता हूँ जरा। कहाँ जा रहे हैं? अरे सब लोग अभी भी कंपाउंड में हो तो सबको सॉरी बोल के आता हूँ। ये चेक तू संभाल के रख दे, कल सुबह मुझे याद से देना। हाँ ठीक है। चलो भाइयों मिलते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। सलाम आदमी। नहीं नहीं भिड़े, एक मिनट, जाना नहीं, कोई जाना नहीं, दो मिनट में नीचे आ रहा हूँ, दो मिनट। रुको रुको भेड़े, जेठालाल कह रहा है तो रुको रुको थोड़ी देर। अरे क्या रुको, अभी कुछ सुना बाकी है क्या? अरे बैठो तो सही भाई, आने दो ना उसे, बैठो बेटा आराम, कुछ बाकी होगा तभी तो। बैठो बैठो। एक मिनट टप्पू के पापा, मेरा मन कह रहा है कि आप अभी सबके सामने माफी मत मांगो, सबके घर जाकर अकेले में माफी मांग लेना। क्यों? मुझे सबके सामने माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, शर्म की बात नहीं है, लेकिन देखिए ना, आप जब जब कुछ अच्छा करने गए हो तभी कुछ उल्टा ही हुआ है। मुझे डर है कि अभी आप माफी मांगने जा रहे हो और कहीं झगड़ा ना हो जाए। नहीं नहीं ऐसे डरा मत, डर मत, कुछ नहीं होगा, चल चल। माता जी देखना कोई गड़बड़ ना हो।